हे गाइस, देखो अगर आपके पास 2 लाख है और आप 3 लाख रुपए बनाना चाहते हो तो हैं कुछ ऐसे कंपनी हैं और बड़े बड़े रिसर्चर ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। मतलब अगर आपके पास 10 हज़ार रुपये है तो आप उसको 15 बना सकते हो, 20 हज़ार रुपये है तो आप उसको 30 हज़ार रुपये बना सकते हो। कैसे? 50% का आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, 50% का रिटर्न। तो 2 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किया तो 50% मतलब 1 लाख रुपये मिल गया, तो 2 का 3 बन गया ना, 2 का 3 बन गया ना, 50% रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे हमें बैंक में मिलता है, मान लीजिए कि 7% आजकल के डेट में मिलता है, लेकिन भाई देखिए आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये लोग तो पहले पहले के ज़माने में इंटरेस्ट रेट मिलता था 5%, आज मिल रहा है 7%, देश डेवलप हो गया है, आने वाले दिन में 10% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। नहीं सर, इंटरेस्ट रेट तो आपका 2% ही है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, मे बी शायद 1.5% ही आपका इंटरेस्ट रेट है। बैंक आपको कितना देता है FD पर रिटर्न, आपको पता है? नहीं पता। नहीं, मैं खुद ही बोल रहा हूँ नहीं पता है ना, तो नहीं पता है। 1.5% आपको इंटरेस्ट रिटर्न देता है, और शायद शायद देता है, वो आपको देता नहीं है एक्चुअली, पैसा आपसे लेता है, लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं है, फर्क बस इतना ही है, पता ही नहीं है। देखो ठीक है, देखो पहले के ज़माने में जो चोर होते थे ना, जो चोरी किया करते थे, वो क्या करते थे, घोड़े पे आते थे, बंदूक लेकर आते थे, घर लूट लेते थे और चले जाते, तो बोलते थे जो भी है सब मेरे हवाले कर दो, जितना रुपया पैसा है, मूवीज में भी देखने को मिलता है ऐसा ना, सब सब निकालो, बाहर निकालो, ठीक है। और डाकू होते थे, पैसे लेके चले जाते, तो वो अच्छे लोग होते थे। पूछो क्यों? क्योंकि आजकल के ज़माने में जिस तरीके से लोगों को लूटा जाता है ना, लोगों को खुद नहीं पता चलता, लोग भी खुश रहते हैं, हाँ हाँ मुझे लूट लिया, अच्छी बात है भाई, उनको पता ही नहीं चलता कि उनके साथ हुआ क्या। ध्यान से समझो मैं आपको क्या बताता हूँ। मेडिकल मेडिकल एक्सपेंसेस पता है आपको? मेडिकल इन्फ्लेशन कितना बढ़ता है? 15% मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ता है भाई, एक साल में 15% इन्फ्लेशन है, महंगाई है केवल किसका? तो मेडिकल का। आप कार वगैरह खरीदने जाते हो ना, तो मतलब एक साल में कम से कम 10-12% आपको एक्स्ट्रा देने पड़ जाते हैं, 10-12% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ जाता है, पता है। और भी बहुत सारी चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें होती है, खाने पीने ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल चीज़ें हो जाती है, इन पर आपको मान लीजिए कि 6 से 7% का इन्फ्लेशन लग जाता है, 6 से 7% ऑन एन एवरेज देखे तो 7-8% तो आपका इन्फ्लेशन ही पैसा खा जाती है। तो FD पे कितना रिटर्न मिला आपको? 0 बना दिया ना आपको हीरो। इसलिए याद रखिएगा कि FD पे कोई किसी को पैसा नहीं देता। आपको क्या लगता है बैंक बेवकूफ़ है कि कोई हमें पैसा देगा रखने को और हम उसको इंटरेस्ट निकाल के देंगे? ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। थोड़ा दिमाग लगाइए, आपको पता चलेगा, ठीक है। आप उसी तरीके से क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट के पास भी एक कैलेंडर होता है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास भी कैलेंडर था, उसी हिसाब से जो है इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है। अब टमाटर आप देख लीजिए कि भाई 200 रुपये के बाजू में पहुंचता जा रहा है, हाँ आज से ठीक, अगर देख लिया कभी कभी टमाटर तो 20 रुपये में मिलता था, आप सोच लीजिए कि जो टमाटर 20 रुपये में मिलता था वो आपको मिल रहा है 200 रुपये में। अब FD वाले पैसा निकालिए और टमाटर खरीदने जाइए तो वो भी कम पड़ जाएगा, क्यों? वहाँ पर तो इंटरेस्ट आपको मिला कितना, 5% मिला ना, यहाँ पर तो इन्फ्लेशन बढ़ गया 200-300-500% आपका इन्फ्लेशन बढ़ गया, 500% और 5% में फ़र्क होता है सर। इसलिए याद रखिए कि FD पे कुछ नहीं मिलता। बाकी आप समझ रहे हैं तो ठीक, नहीं समझ रहे हैं तो एक ना एक दिन इन्फ्लेशन आपको समझा ही देगा। अब ये इतनी सारी चीज़ें मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये जो कंपनी यहाँ पर जो रिसर्चर है, इनका मानना है कि ये जो स्टॉक है आपको 50% का रिटर्न निकाल के दे सकता है। तो मैंने सोचा कि भाई 50% ये तो बहुत अच्छा है, बैंक FD से कई गुना ज़्यादा अच्छा है। और मैं नहीं बता रहा हूँ छोटी मोटी छोटे मोटे लोग मेरे जैसे, मैं नहीं बता रहा हूँ, बड़े बड़े रिसर्चर बता रहे हैं, बड़े बड़े रिसर्चर। तो मैंने सोचा 5% के लिए लोग मतलब क्या क्या नहीं कर देते, तो 50% है इसके लिए, तो पक्का लोग सही तरीके से सोच समझ के आगे बढ़ेंगे। तो उस कंपनी का नाम सबसे पहले दिखा देता हूँ, गोदरेज इंडस्ट्री है, और लंबे समय में इसने 16,000% का रिटर्न दे रखा है, बहुत बहुत गजब, 16,000% कोई छोटा मोटा रिटर्न नहीं होता। और 2000 से 2002 से मतलब, और जिस तरीके से अभी गिरा हुआ है, अगर हाई पे देखेंगे तो 20,000-21,000% का रिटर्न दे रखा है लंबे समय में। तो ये जो स्टॉक है, समझ लीजिए कि ये जो स्टॉक है आपको 50% तक का रिटर्न निकाल के दे सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि भाई ये गिरा हुआ भी है, यहाँ से गिरने का चांसेस भी बहुत कम है, गिरने का चांसेस भी यहाँ से बहुत कम है। तो यहाँ से ऊपर गया तो समझ लीजिए कि यही मतलब 700-800 रुपये के बाजू में जाता हुआ नज़र आ जाएगा। देख लीजिए ठीक है, 51% तक आपको रिटर्न निकाल के दे सकता है, प्राइस वगैरह आप सब कुछ देख लीजिए। प्रमोटर के पास 67% हिस्सेदारी है, बहुत मजबूत कंपनी है केमिकल सेक्टर में, और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, पहले 8% था, अब इनके पास 10% फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास। और केवल यही नहीं, केमिकल सेक्टर में बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी है, और मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ICICI सिक्योरिटी का मानना है सर, ICICI सिक्योरिटी का मानना, मैं छोटा हूँ मतलब मेरे जैसे छोटे लोग बेवकूफ़ लोग नहीं बोल रहे हैं ऐसे, ICICI सिक्योरिटी ये बहुत बड़े बड़े हैं, याद रखिए। तो ये लोग जब भी बोलते हैं ना, तो चीज़ों को रिसर्च करने के बाद, और यहाँ पर आपको PDF वगैरह भी दिया जा रहा है, आप रिपोर्ट वगैरह सारी चीज़ आप पढ़ के ये लोग क्यों क्या कैसे ऐसा, तो ये लोग पूरा डिटेल, इनका एक रिसर्च टीम होता है जहाँ, तो ये लोग केवल करोड़ रुपये खर्च कर देते हैं चीज़ों को रिसर्च करने में, ऐसा होता है। जैसे क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, तो ये भी मानना है बहुत सारे इन्वेस्टर्स का, जो बड़े बड़े रिसर्चर हैं, JM फाइनेंस का मानना है कि भाई ये 76% तक का आपको रिटर्न निकाल के दे सकता, ऑलमोस्ट समझो कि पैसा डबल अगर आप थोड़ा और रुक जाते हो तो, इतने बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलने। तो ये सारे जो रिटर्न आपको दिख रहे हैं ना सर, ये इन्फ्लेशन को तो बीट करते ही करते हैं, लेकिन आपको भी एक अलग लेवल पर लेके चले जाते हैं ये लोग।
तो और भी बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री आपको देखने को मिल जाता है। इंडोस्टार कैपिटल 125%। अब देखिए नीचे नीचे मानना था कि एंजल वन आपको 86% तक का रिटर्न निकाल के देगा, मोतीलाल ओसवाल जी का मानना था, ठीक है। टारगेट था 2100 और इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा था 1125, ठीक है। और 1125 मतलब 1000 रुपये के बाजू में चल रहा था और 86% का टारगेट था इनका, देख लीजिए 2100 रुपये। और आज देखते हैं ऑलमोस्ट समझो कि इनका टारगेट जो है अचीव होने ही वाला है, देख लो था कि नहीं, 2100 का था ना, और ये देख लो आज कितने पर चल रहा, 1800 के बाजू में तो स्टॉक अभी अभी गया है, देख लीजिए 1798 आपको देखने को मिला, देख लीजिए 1800 के बाजू में गया है, तो 300 रुपये और बचे हैं, 200-300 और बचे हैं, वो भी अचीव हो जाएगा। तो जितना दिया गया 80% 90%, तो ये है, ये इन्फ्लेशन को बीट करता, सारे इन्फ्लेशन को बीट करता, हर जगह का इन्फ्लेशन अलग होता। गोल्ड खरीदने जाते हो तो 5 साल में ही गोल्ड का इन्फ्लेशन डबल हो जाता है 5 सालों के अंदर जो है। आप सोना वाना आप ज्वेलरी खरीदना चाहते हो तो सोचो सारी चीज़ों का इन्फ्लेशन अलग लेवल में। स्टॉक मार्केट का इन्फ्लेशन ये अलग ही है भाई। अगर आप मान लीजिए कि लेट हो जाते हो स्टॉक मार्केट में किसी चीज़ को खरीदने के लिए, बहुत महंगा पड़ेगा। अभी आप खुद ही देख लो ना, ये स्टॉक मतलब कहाँ कितना सस्ता मिला था, 1000 रुपये के बाजू में मिला था, आज देखो 70% महंगा मिल रहा है, 70% महंगा मिल रहा है। तो देख लो सभी इस दुनिया में हर चीज़ का इन्फ्लेशन अलग अलग है। सबको अगर आप एवरेज करते हैं ना तो एक ऐसा इन्फ्लेशन निकलेगा जो आपके FD से ऊपर ही होगा। तो आपको FD पे मिला क्या? कुछ नहीं मिला। मतलब आपके पैसे सब लोग इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं लेकिन आपको मिलता कुछ नहीं है। तो ये एक केवल वीडियो सीखने के लिए मैंने आपको बताया, यहाँ पर और कुछ नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये जो बड़े बड़े रिसर्चर हैं उनका मानना है ये सारी चीज़ें। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में।